रेयर बर्ड है यहाँ पे, ये भी इनके पास मौजूद है, तो इसके मुतालिक भी मालूम करेंगे कि 3,25,000 कितने पेयर मौजूद हैं अभी आपके पास। ये माशाल्लाह 7 पेयर मौजूद हैं जी। तो सन किलो बिल्कुल अलग है जी। जी ये सन किलो ज़रा बड़ा होता है सन, ये ठीक है। ये बताएं कि डिफरेंट कलर में, इसके बारे में बताएं। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम को मैं 1,50,000 का देखूँ। नहीं ले, मैं अपनी जब मस्ती में आता है तो बहुत सारी एक्टिविटी दिखाता है, मिठू मिठू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूअर्स को जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल पे। जुनेद जमशेद एक बार फिर आप तमाम व्यूअर्स की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे सेटअप पे मौजूद हैं जहाँ पे आप भरपूर ब्रीड देखेंगे एग्जॉटिक बर्ड्स की। यहाँ पे डिफरेंट काइंड की ब्रीड आपको नज़र आएगी, जिसमें काफ़ी नायाब ब्रीडें मौजूद हैं और काफ़ी सारी ब्रीड हम यहाँ पे देख चुके हैं। आप तमाम व्यूअर्स को दिखाते हैं कि इन्होंने एक बड़ा सेटअप बनाया है, इससे पहले भी सेटअप की कवरेज कर चुके हैं और इस सेटअप के जो ऑनर है शाहिद साहब हैं, तो शाहिद साहब से बात करेंगे, मालूमात करेंगे कि इनके पास जो बर्ड्स मौजूद हैं उनके कितने प्राइस हैं, क्या मुनासिब रेट देते हैं मार्केट से कंपेयर करके देखेंगे। साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स को यहाँ पर इनके पास जो ब्रीडिंग मौजूद है और काफ़ी अच्छी अच्छी और नया ब्रीड मौजूद है, तो आइए आप तमाम व्यूअर्स को दिखाते हैं। सबसे पहले शाहिद भाई से बात करेंगे, उसके बाद पूरे सेटअप का एक ओवरव्यू दिखाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एग्जॉटिक बर्ड रखने का इरादा कहाँ से आपने कलेक्ट किया था कि जनाब मैंने ये सेटअप करना है? मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था कि ये मेरा बचपन से शौक है, ये और उसी शौक़ को मैंने अपना प्रोफेशनल भी बनाया और मैंने बजाय इधर उधर फील्ड में भागने में मैंने अपनी इस फील्ड को मजबूत किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरीके से मुझे इसका शौक़ पड़ा और इसको आज आहिस्ता आहिस्ता करके आपके सामने। तो अभी कौन कौन से बर्ड्स आपके पास मौजूद हैं व्यूअर्स के? मेरे पास माशाल्लाह मकाऊ की वैरायटी बहुत सारी मौजूद है, अमेजोन्स मौजूद हैं, अमेजोन में जो नायाब अमेजोन है, एक होते हैं मतलब हल्के वाले ऑरेंज विंग अमेजोन, येलो क्राउन, ये मेरे पास जो इसमें जो वर्ल्ड में जिनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, येलो नैप अमेजोन मौजूद है, डबल हेडेड अमेजोन मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास टोकोटुकान की वैरायटियाँ आई हुई हैं अभी, पाम काकाटू है मेरे पास। इसके अलावा छोटे परिंदों में मेरे पास पाइट कनोर की बहुत अच्छी क्वालिटी मौजूद है, लोरीस आपने देखी होंगी लेकिन मेरे पास स्केली लोरीफ हैं जो बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो व्यूवर्स, काफ़ी सारी ब्रीड बता दी, आप तमाम व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि यहाँ पे जो इन्होंने ब्रीड्स बताई वो तमाम ब्रीड इस वीडियो में कवर करेंगे और आप तमाम व्यूवर्स अपडेट हो जाएंगे इसकी ब्रीड से कि कौन कौन सी ब्रीड इनके पास मौजूद है और कितनी ब्रीड आ रही है। तो अगर आपके यहाँ पे बर्ड्स के जो प्राइस आप बताएंगे और उसको अगर हम मार्केट से कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से प्रोग्राम आपने भी किए होंगे और काफ़ी जगहों पे मैं देखता रहता हूँ कि यहाँ पे मतलब कोई चीज़ अगर उन्होंने मिसाल सपोज़ के बहुत मिनिमम प्राइस में तो उसका डबल प्रॉफिट रख के बताते हैं, मेरे पास ऐसा नहीं है, मैं जायज़ और माकूल प्रॉफिट रख के बताता हूँ। अभी आपको जब मैं रेट बताऊँगा तो आप ख़ुद ही उसका फ़र्क देख लेंगे कि मेरे भी शायद पे एक परसेंटेज के हिसाब से बता दें कि मार्केट से इतने परसेंट कम में यहाँ पे दस हज़ार। मेरा तकरीबन रेट मैंने जैसे पहले प्रोग्राम में दिया था उसमें जिस तरह लोग जिस चीज़ों के 7 लाख 8 लाख मांग रहे थे मैंने उनके 6 लाख रुपए मांगे थे, मैंने 2-2.5 लाख रुपए का डिफरेंट दिया था, तो मेरे रेट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जायज़ होते हैं। मैं जिनसे काम कर रहा हूँ वो भी यही बात बोलते हैं यार तुम्हारा रेट बहुत जायज़ होता है, माकूल रेट होता है। चलो देख लेते हैं व्यूवर्स, आइए सेटअप का विज़िट करते हैं, आप तमाम व्यूवर्स को सबसे पहले एक ओवरव्यू दिखा देते हैं जी। व्यूवर्स, यहाँ पे अब आपको केज बाय केज एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं जहाँ पे इनके पास मल्टीपल ब्रीड्स के बर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें मॉन्ग पैरेट हैं और अलेक्जेंडर हैं, मकाओ हैं, मकाओ की भी आप देख सकते हैं बड़ी कॉलोनी बनाई हुई है इन्होंने, ब्लू एंड गोल्ड इनके पास मौजूद हैं, ग्रीन विंग मकाओ मौजूद हैं इनके पास, इसके अलावा ग्रे की काफ़ी ब्रीड्स मौजूद हैं इनके पास, तो काफ़ी एक बड़ा सेटअप है और आप देख सकते हैं ये एक। तो व्यूवर्स, ये एक रेयर बर्ड है यहाँ पे, ये भी इनके पास मौजूद है, तो इसके मुतालिक भी मालूम करेंगे कि क्या ये हमारे एनवायरनमेंट में ब्रीड करती है और करती है तो कौन से सीज़न में करती है। तो इनके पास अमेजोन की वैरायटी भी मौजूद है, अलेक्जेंडर्स मौजूद हैं इनके पास, यहाँ पे लैक्टस भी मौजूद है, क्रॉन की भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं इनके पास, जिसमें सन किनोर और ये आप देख रहे हैं ब्लैक कैप किनोर, पाम काकाटू वन ऑफ द मोस्ट रेयर ब्रीड, ये भी इनके पास मौजूद है।
जी ये भी आपको दिखाई थी व्यूअर्स, ये वही ब्रीड है बट इसकी जो चोंच होती है उसके कलर्स में डिफरेंस है, आप इसके रंगों में डिफरेंस दे सकते हैं। इनके पास इसकी तकरीबन 3 वैरायटीज़ मौजूद हैं यहाँ पे, और ये 3rd वैरायटी है जिसकी जो चोंच है वो बिल्कुल ब्लैक है। ये भी वन ऑफ दी मोस्ट रेयर बर्ड है और ये भी इनके पास मौजूद है आज, तो इसके मुतालिक भी मालूम करेंगे। तो व्यूवर्स एक ओवरव्यू देखा, माशाल्लाह बर्ड्स तो काफ़ी सारे इनके पास मौजूद हैं, तो शायद भाई ये बताएं कहाँ से स्टार्ट करें व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन देने। मैं आपको काइक एक म्यूटेशन है मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको काइक के बारे में बताऊँ, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको काइक से स्टार्ट लेता हूँ। मैं देख लेते हैं जी शाही साहब, ये जो हम देख रहे हैं पेयर इसके बारे में बताएं। ये वाइल्ड बेली काइक कहलाते हैं, ठीक है, ये बहुत रेयर होते हैं, म्यूटेशन होते हैं। ये मार्केट में अगर कहीं से आप इसके रेट मालूम करेंगे तो कोई आपको 450 का रेट देगा, कोई 4 का रेट देगा, मैं ये 3,25,000 का रेट आपको देता हूँ। मैं 3,25,000 रुपये इसकी डिमांड बता रहे हैं। और ये बताएगा ये फुल मैच्योर पेयर है, फुल बड़े पेयर हैं, ब्रीडर पेयर हैं, ये तैयार हैं, ये मेल फीमेल कन्फर्म है, डीएनए पेपर के साथ हैं ये। ओके, डीएनए के साथ हैं। इनके जो प्राइस बताएं शाही साहब ने, 3,25,000। कितने पेयर मौजूद हैं अभी आपके पास? ये माशाल्लाह 7 पेयर मौजूद हैं अभी, ये 7 पेयर मौजूद हैं। तो इनकी ब्रीड करा रहे हैं आप यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी एक आपको दिए हैं, उनके पास उसके 2 बच्चे भी आए हैं, मैं आपको उसकी वीडियो दे दूँगा। मैं जी शाही साहब, ये जो हम देख रहे हैं इसके पेयर के बारे में बताएँ। आपने लोरीस के नाम सुना होगा, ये लोरीस के अंदर सबसे छोटी लोरी होती है, स्केली लोरी। ये स्केली के अंदर म्यूटेशन है, ऑलिव कलर है ये, ठीक है। तो ये बताएं कि ये अभी रिसेंटली आए या ये अभी बनाई गई है म्यूटेशन? नहीं नहीं नहीं, ये म्यूटेशन तो खैर पुरानी है और ये बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, ये मैंने मंगवाए हैं ये स्पेशली तौर पे, तो मेरे पास तकरीबन ये 7 महीने हो गए मंगाए हुए, माशाल्लाह जोड़े क्रॉस भी हो रहे हैं, बस अब इनको बॉक्स वगैरह देना है, तो ये ब्रीड के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, ये फुल मैच्योर हैं, फुल बड़े पेयर हैं ये। तो क्या डिमांड है इनकी? ये मैं आपको दे दूंगा 150 का पेयर, 1,50,000 का पेयर है। अच्छा, ये आपके पास कितने पेयर हैं अभी? ये मेरे पास जो है तकरीबन 8 पेयर हैं। 8 पेयर मौजूद हैं और रिंग बर्ड हैं सब? सब रिंग बर्ड हैं, सब रिंग बर्ड हैं जी। जनाब ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। आपने कनोरो का नाम सुना होगा, ग्रीन चेक, उसके अंदर की ये म्यूटेशन है, ये ब्लू पाइट कहलाते हैं ये। अच्छा, ब्लू पाइट कैनोरे जी, आजकल इसका बहुत दौर चल रहा है, इस लोग इसके रेट कुछ 4,00,000 रुपये मांगता है, कुछ 4,50,000 रुपये मांगता है, इसके रेट हैं भी इतने हैं लेकिन मेरे पास इसके रेट कम है, मैं आपको ये जोड़ा 2,50,000 रुपये का दे दूँगा। 2,50,000 रुपये पाइट के रेट बता रहे हैं, कैनोर पाइट है, ब्लू पाइट के रेट। अच्छा, तो ये बताएं ये मैच्योर पेयर हैं? ये सब मैच्योर पेयर हैं, ये भी ब्रीड के लिए तैयार हैं जी। जनाब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कनोर की ब्रीड, इसके बारे में बताएं। ये भी म्यूटेशन के अंदर है, ये अपना क्या नाम है, येलो पाइट के अंदर है ये, ठीक है, और ये भी तैयार है, मैच्योर पेयर है, ये भी ब्रीड के लिए तैयार है ये। अच्छा, ये जस्ट लाइक देखने में सन कनोर जैसा लग रहा है, येलो पाइट जो है, सन कनोर बिल्कुल अलग है जी जी जी। सन कनोर ज़रा बड़ा होता है, सन कनोर भी है मेरे पास, ये उससे छोटे होते हैं, ये भी कनोरी की वैरायटी है, इसमें बहुत सारे हैं, इसमें ग्रीन चीक है, इसके अंदर अपना क्या नाम है साइनेमन है, इसके अंदर संचिक है। अच्छा, आजकल इसका बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है इसका। अच्छा, ये बताएं क्या डिमांड है इसकी? ये भी मैं आपको 2,50,000 रुपये का जोड़ा दे दूँगा। 2,50,000 इसका भी 3,50,000 रुपये का रेट है। मैच्योर पेयर हैं, बड़े पेयर हैं, सब ब्रीड के लिए तैयार हैं ये, ये तमाम रिंग बर्ड हैं जी। हाँ जी हाँ, सब रिंग बर्ड हैं ये। तो व्यूवर्स यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं ये जो ऊपर केजेस रखे हुए हैं, तमाम कनोर की वैरायटी रखी हुई है। तो कितने पेयर मौजूद हैं अभी आपके पास? अभी माशाल्लाह से तकरीबन 9 पेयर मौजूद हैं ये। 9 पेयर मौजूद हैं जिनकी डिमांड आप 2,50,000 रुपये? जी जी बिल्कुल जी, ईच पेयर की डिमांड 2,50,000 रुपये, रिंग बर्ड हैं और कह रहे हैं मैच्योर हो गए ये पेयर जी। ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये सन कनोर होते हैं, सन कनोर में एक वैरायटी होती है, ये पूरा रेड हो जाएंगे, अभी ये पट्टे हैं, ये रेड हो चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन अभी हो रहे हैं ये। तो ये सन कनोर के अंदर जो है ना, मतलब ये भी म्यूटेशन के अंदर है, तो ये रेड सन कनोर के लाएंगे ये। क्या डिमांड है इनकी? ये मैं आपको 2,00,000 रुपये का पेयर दे दूँगा।
2 लाख रुपए पेयर की डिमांड है। अच्छा, बेसिकली ये रेड फैक्टर है। ये रेड फैक्टर है, रेड फैक्टर का नोट 2 लाख रुपए पेयर की डिमांड है। ये भी मैच्योर है, फर्स्ट ब्रीडिंग, ये भी बस अब तैयारी पे हैं। ये अभी मतलब एज इनकी अभी कम है, ये कम एज है। जी जनाब, ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये एक ब्लू पाइनेस होता है, ये उसके अंदर की मुड्रेस है, ये वाइट फ्रंटेड कहलाता है। ये टेम पेयर है, इसका एक बच्चा मेरे पास लोकल निकला है, तो ये टेम मैंने कर लिया इसको माशाल्लाह। इसका पूरा पेयर है ब्रीड का, तो ये उसका टेम बच्चा मेरे अपने आया की ब्रीड है ये। अच्छा, क्या डिमांड है इसकी? ये आपको मैं 1,50,000 का दे दूँगा। मेल है ये? मैंने इसका DNA अभी कराया नहीं है। कंफर्म नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, अभी इसका DNA करवाना पड़ेगा। वैसे फेस भाई ये मेल लगता है। जी जनाब, ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। वैसे तो इसके तरह तरह के नाम लिए जाते हैं, ब्लैक कैप कनोर और इस तरीके के। नहीं, ये कनोर नहीं है। अभी मैंने जैसे आपको म्यूटेशन में वाइट बेली काइक दिखाया था, ये उसी की एक, ये भी एक उसी की एक शाम है, लेकिन ये सादे काइक कहलाते हैं, ब्लैक हेडेड काइक कहलाते हैं। ये भी काइक है लेकिन ब्लैक हेडेड है। ये नॉर्मल है, और वो जो दिखाए थे वो म्यूटेशन थे, वाइट बेली काइक थे। अच्छा, ये बताएं, ये जो नॉर्मल काइट है, यानी कि ये कलर वाइज आप नॉर्मल कह रहे हैं? जी हाँ, कलर वाइज जो है ये नॉर्मल है, सादे काइक हैं ये, ब्लैक हेडेड काइक कहलाते हैं। इनका रेट भी कम होता है, ये तकरीबन 1,10,000 1,15,000 का पेयर मिल जाता है बआसानी। तो ये जो आप क्या डिमांड कर रहे हैं इनकी? मैं तकरीबन 1:10 में जोड़ा दे दूँगा ये। 1,10,000 रुपये इसकी डिमांड बता रहे हैं ये, और DNA पेपर होगा उसके बाद? जी जी, सब DNA वाले हैं ये, मैच्योर पेयर हैं ये। जी बिल्कुल मैच्योर पेयर है। जी शाहिद साहब, ये जो हम देख रहे हैं हॉक पैरेट, इसके बारे में बताएं। ये मेरा हॉक पैरेट के पास मेरे 2 पेयर हैं, ये मेरे काफ़ी पुराने पेयर हैं, माशाल्लाह मैच्योर पेयर हैं। ये भी अब एक्टिविटी दिखा रहे हैं, बॉक्स लगाऊंगा सीजन में तो इंशाल्लाह इसकी ब्रीड आएगी। अच्छा, तो ये फर्स्ट टाइम ब्रीड देंगे? जी हाँ जी, फर्स्ट टाइम देंगे। तो क्या डिमांड है इस पेयर की? ये मैं दे दूँगा 2,50,000 रुपये का पेयर। 2,50,000 रुपये इस पेयर की डिमांड है, और फर्स्ट ब्रीड देंगे रिंग बर्ड है। जी हाँ। कराची के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है बर्ड को? नहीं, कराची का एनवायरनमेंट अच्छा है, क्योंकि कराची का अपना मौसम कोई है ही नहीं है। कराची का जो वेदर है, या तो समुंदरी है या कोयटा का है, इस तरह का है। बहरहाल यहाँ पे परिंदा एक्सेप्ट हो जाता है, थोड़ी सी टेक केयर वगैरह करना पड़ती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसला नहीं, यहाँ पर चल जाता है आराम से। जी, ये जो अमेज़ॉन देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये मैगना है, और ये अभी मतलब छोटा है, ये 2-2.5 साल का है। ये टेम पीस कहलाएगा ये। अमेज़ॉन टॉकिंग के लिए मैंने रखे हुए हैं, बहुत से लोग मेरे कस्टमर आते हैं टॉकिंग के लिए मांगते हैं। तो ये एक पीस इसका अमेज़ॉन का है, मैगना का, और ऊपर ब्लू फ्रंटेड के 2 पीस हैं। क्या डिमांड है इसकी? ये मैं आपको 5 लाख रुपए का दे दूँगा। 5 लाख रुपए इसकी डिमांड है, और अभी ये छोटा है? जी हाँ, ये अभी छोटा है। वैसे इसका जो मतलब रेट तकरीबन 7-7.5 लाख रुपये का है। जी, ये जो अमेज़ॉन देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये ब्लू फ्रंटेड की फीमेल्स हैं दोनों मेरे पास, क्योंकि बहुत से लोगों को फीमेल्स की रिक्वायर्ड होती है, फीमेलें कम होती हैं। मैच्योर फीमेल हैं दोनों? बड़ी फीमेल हैं ये। क्या डिमांड है? ये दोनों फीमेलों का रेट तकरीबन 2.5 लाख रुपए हैं ये। 1,25,000 की एक फीमेल। 1,25,000 एक फीमेल की डिमांड है, और दोनों अगर फीमेल कोई लेना चाहे तो 2.5 लाख रुपए की डिमांड है। ये भी रिंग बर्ड है? ये भी रिंग बर्ड है। जी जनाब, ये जो हम पेयर देख रहे हैं अमेज़ॉन का, इसके बारे में बताएं। ये येलो नेप अमेज़ॉन कहलाता है ये। ये मेरे पास 2 पेयर हैं, दोनों माशाल्लाह फुल एक्टिविटी के अंदर हैं। बस इस साल इनसे भी जो है ना ब्रीड की फुल उम्मीद है। अच्छा, तो फर्स्ट ब्रीड देंगे? ये भी फर्स्ट ब्रीड करेंगे ये। तो क्या डिमांड है इस पेयर की? ये मैं 10 लाख रुपए का पेयर दे दूँगा। 10 लाख रुपए पेयर की डिमांड है। जी, ये जो हम पेयर देख रहे हैं अमेज़ॉन का, इसके बारे में बताएं। ये दोनों पेयर ब्रीडर हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, ये दोनों येलो नेप के बड़े पेयर हैं ये। अच्छा, तो क्या डिमांड है इसकी? दोनों के सेम प्राइस हैं, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए इसकी प्राइस बता रहे हैं, और फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी हुआ है? रेडी है ये। जी जनाब, ये जो हम देख रहे हैं कॉकाटू का पेयर, इसके बारे में बताएं। ये मेरे पास जो है ना, मेरे मेजल बिचर्स का मेल है और मीडियम की फीमेल है। ये पेयर मैंने बनाया है, मैं इससे ब्रीड लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छे बच्चे आते हैं, बहुत ही कलरफुल बच्चे आते हैं, और बहुत खूबसूरत बेबीज इससे आती हैं। तो ये मैंने पेयर तैयार किया, इंशाल्लाह ताला इस साल ये भी ब्रीड करेगा। नई म्यूटेशन की तैयारी जा रही है? जी हाँ जी हाँ, नई म्यूटेशन की तैयारी है ये। तो क्या डिमांड है वैसे इस पेयर की? अगर कोई इसको परचेज करने का ख्वाहिशमंद होगा तो मैं 14 लाख रुपये का दे दूँगा। 14 लाख रुपये पेयर की डिमांड है, और ये फर्स्ट ब्रीड देगा? फर्स्ट ब्रीड करेगा ये। तो व्यूअर्स, यहाँ पे न्यू म्यूटेशन के लिए इन्होंने अलग अलग टाइप के कॉकाटू को एक साथ पेयर बनाया,
और कह रहे हैं कि न्यू म्यूटेशन जो आएगी वो बहुत अच्छी आएगी, एक्सपेक्टेशन तो यही है। तो व्यूवर्स, ये हमने दिखाया आप तमाम व्यूवर्स को इनके जो छोटे बर्ड्स की कलेक्शन थी, वो अब हम चलेंगे मूव करेंगे बड़े बर्ड्स की जानिब और देखेंगे उसमें कौन कौन सी रेयर ब्रीड मौजूद है। जी शाहिद भाई, यहाँ पे जो मकाव देख रहे हैं, वैसे तो अर्ली क्वीन वगैरह हमने देखे हैं, लेकिन ये जो मकाव है काफ़ी डिफरेंट कलर में है, इसके बारे में बताएं। ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आया है, इसका नाम है मिली गोल्ड मकाव। अच्छा, तो न्यू म्यूटेशन है ये? न्यू म्यूटेशन है, मेरे पास 3 पेयर हैं ये। तो क्या डिमांड है इस पेयर की? ये पेयर मैं आपको दे दूँगा 12 लाख रुपये का। 12 लाख रुपये पेयर की डिमांड है, और अभी मैच्योर होंगे ये? जी हाँ, अभी ये मैच्योर हो रहे हैं। ये कब तक हो जाएंगे? तकरीबन अभी 1-2 साल और लेंगे ये। तो फर्स्ट ब्रीड आएगी इनकी। और व्यूवर्स, ये जो पेयर है ये बता रहे हैं शायद भाई न्यू म्यूटेशन है, जो कि अभी आई है कराची में। जी हाँ, पाकिस्तान में आई है। जी शायद भाई, ये जो हम देख रहे हैं पाम काकाटू, इसके बारे में बताएं। ये मेरे पास 2 पीस हैं, दोनों टेम है, टॉकिंग करते हुए हैं। अच्छा, हैंड टेम है और टॉकिंग भी कर रहे हैं? दोनों टॉकिंग करते हुए हैं ये। अच्छा, तो ये यहीं पे आपने टेम किए इनको? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने मंगवाए हैं, ये स्पेशली तौर पे मैंने ऑर्डर किया था, तो टेम पीस 2 मंगवाए हैं मैंने। अच्छा, तो क्या है इसके अभी? ये तकरीबन 7 से 8 साल का पीस है ये। 7 से 8 साल इसकी एज बता रहे हैं, और टॉकिंग करता हुआ टेम भी है। तो डिमांड क्या है इसकी? ये तकरीबन मैं दे दूँगा आपको 12 लाख रुपये का। 12 लाख रुपये पर पीस की डिमांड? पर पीस। जी हाँ, इसका पेयर भी मिल जाएगा। तो शायद भाई ये बताएं, इसके पेयर भी मौजूद हैं आपके पास? जी हाँ, इसका पेयर भी मिल जाएगा मेरे पास। अच्छा, कौन से सीज़न में ये ब्रीड करते हैं कराची में? बस इंशाल्लाह ताला सितंबर से इनकी एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जैम फरवरी तक ये तकरीबन ब्रीड के लिए रेडी हो जाते हैं ये। अच्छा, तो व्यूवर्स ये है पॉम काकाटू, इन्होंने ये हैंड टेम किया हुआ है यहाँ पर, और टॉकिंग बर्ड है। तो टॉकिंग में क्या क्या बोल रहे थे? बहुत सारे अल्फाज हैं अपनी, जब मस्ती में आता है तो बहुत सारी एक्टिविटी दिखाता है, मिट्टू मिट्टू बेटे, बहुत सारे अल्फाज बोलता है। अब इतना हम गौर नहीं करते हैं, लेकिन ये टॉकिंग में बहुत अच्छा है ये। इसका ये बात तो व्यूवर्स, यहाँ पे ये पेयर भी मौजूद है इनके पास पॉम काकाटू का, तो बात करते हैं शाहिद भाई से। जी जनाब। जी जनाब, ये पेयर है पूरा? अच्छा, तो पुराना पेयर है, मेच्योर पुराना पेयर है, तकरीबन 8 से 9 साल का पेयर है ये। अच्छा, तो ये बताएं क्या डिमांड है पेयर की? इसके 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए पेयर की डिमांड है, और फर्स्ट ब्रीड देंगे? फर्स्ट ब्रीड है ये। तो व्यूवर्स, पॉम काकाटू का जो पेयर है वो 24 लाख रुपए की डिमांड बताइए, फर्स्ट ब्रीड देगा और रिंग बर्ड है? जी हाँ, दोनों रिंग बर्ड है ये। जी शाहिद भाई, ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये टुकान की एक वैरायटी है, इसे रेड बिल टुकान कहते हैं ये। अच्छा, तो ये बताएं के ये मैच्योर हैं, फुल बड़े हैं? ये फुल बड़े पेयर हैं ये। अच्छा, तो क्या फीड होती है इनकी, क्या खिलाते हैं? इनको हम जो है डॉग फीड भी देते हैं, इनको हम सॉफ्ट सीधे भी देते हैं, केला वगैरह हो गया, फ्रूट वगैरह हो गया, सब्ज़ी वगैरह भी देते हैं इनको, ये सब चीज़ें खा लेते हैं ये। शायद भाई, एक बात ये भी बताएं, क्या ये कराची के एनवायरनमेंट में ब्रीड करते हैं? अभी तक तो नहीं किया है इन्होंने, लेकिन ये कि पुराने पेयर होते हैं तो ब्रीड कर जाते हैं ये। ये लोग एक वैरायटी के तौर पे, खूबसूरती के तौर पे बहुत रियल एक वैरायटी होती है, ये हर जगह मौजूद नहीं होती है, तो मैं इसलिए ये मंगवाता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं ये। तो ये बताएं कि जब ये ब्रीड नहीं कर रहे अभी, यानी कि प्रॉपर तरीके से क्लाइमेटाइज नहीं हो पाएंगे? असल में अभी इस पर जो ना थोड़ी सी मेहनत चल रही है, इंशाल्लाह ये जल्दी ब्रीड करेंगे ये। तो क्या डिमांड होती है एक पेयर की? ये पेयर तकरीबन 6 लाख रुपए का पेयर होता है ये। ये रेड बिल दुकान के लाते हैं। 6 लाख रुपए पेयर की डिमांड बता रहे हैं, और ये अभी ब्रीड नहीं कर रहे कराची में, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही है कि ब्रीड करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर कितनी वैरायटीज़ आपके पास मौजूद हैं? अमूमन इसकी 3 वैरायटी होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों वैरायटियाँ मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये जो अभी हम देख रहे हैं ये कौन सी वैरायटी? ये रेड बिल कहलाता है। और इसके अलावा 2 वैरायटी? इसके अलावा चैनल ब्रीड है, जो इसके सबसे अहम है, टोको टुकान, वो भी मौजूद है मेरे पास। चलिए नेक्स्ट ब्रीड देखते हैं कौन सी दिखाएंगे। मैं अभी आपको चैनल ब्रीड पे लेके जा रहा हूँ। जी शाहिद भाई, सेकंड ब्रीड की जानिब आ गए, मुझे साइज़ थोड़ा कम लग रहा है इनका। ये छोटे साइज में होते हैं, ये चैनल ब्रीड कहलाते हैं ये। अच्छा, तो ये कितने का पेयर है? ये तकरीबन 4.5 लाख रुपये का पेयर है ये। 4.5 लाख रुपये पेयर की डिमांड है। ब्लैक पीच के अंदर होता है? ये ब्लैक में होता है, इसका चेस्ट वाइड होता है, उसके अंदर ऑरेंज शेड भी होता है, मुख्तलिफ कलर होते हैं, मल्टी कलर होते हैं इसके अंदर।
अच्छा, तो ये कितने पुराने पेयर हैं? ये मेरे पास तकरीबन साल पुराने पेयर हैं ये। अच्छा, तो अभी ये मैच्योर हो गए हैं? जी मैच्योर हो गए हैं प्रॉपर। हाँ, ये प्योर फुल मैच्योर हैं, ये फुल मैच्योर हो गए हैं, लेकिन ब्रीड अभी तक इस क्लाइमेट में नहीं किए कराची के? अभी तक नहीं किया, जारी है कोशिश। जी शाहिद भाई, ये बताएं थर्ड ब्रीड की जानी भाग है इसकी? ये समझे फर्स्ट है ये, हम वहाँ से चले थे इसलिए थर्ड है, लेकिन ये फर्स्ट है। टोकोटुकान की सबसे अहम इकसाम जो है वो ये है। अच्छा, कहाँ की नेटिव है ये? ये सब जो है ना घाना, सरेनाम, मतलब साउथ अफ्रीका वगैरह की है, ये वहाँ की है ये। अच्छा, तो ये मैच्योर पेयर है? ये फुल मैच्योर है, ये ब्रीड के लिए तैयार है माशाल्लाह से ये। तो क्या डिमांड है इनकी? ये तकरीबन 12 लाख रुपये का पेयर है ये। 12 लाख रुपए पेयर की डिमांड है। अच्छा, एक अहम सवाल ये बताएं, इसमें मेल और फीमेल का कैसे पता चलता है? इसके हमने DNA करा के रखे हुए हैं, ये उससे आराम से पता है। वैसे हम देख के बताए थे, लेकिन ये फिर भी हमने लोगों की तसल्ली के लिए और उनके कंफर्मेशन के लिए हमने DNA करवा दिए हैं। अच्छा, फिजिकली आप लोग कैसे देख के बताते हैं कि मेल है या फीमेल? हम इनके साइज़ और इनके आकार को देख के जो है ना अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मेल और फीमेल कौन से हैं। अच्छा, ये जो अभी हम दोनों देख रहे हैं ये मेल फीमेल है? ये कन्फर्म पेयर है ये। जी शाहिद भाई, ब्लू एंड गोल्ड मकाओ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम केज में ब्लू एंड गोल्ड मकाओ देख रहे हैं, इनके बारे में बताएं। ये मैंने अभी तकरीबन 3 महीने पहले मैंने ये शिपमेंट मंगवाई है, तो ये बड़े पेयर हैं बाहर से, ब्रीड के लिए तैयार हैं। इनके मैंने DNA वगैरह भी करवा लिए हैं मैंने, तो ये ब्लू एंड गोल्ड के मेरे पास तकरीबन कोई 20 पीस हैं आए हुए हैं ये अभी। अच्छा, 20 पीस यानी 10 पेयर मौजूद? 10 पेयर मौजूद हैं। तो क्या डिमांड है पेयर की? ये 5 लाख रुपये का पेयर है। 5 लाख रुपए पेयर की डिमांड है और मैच्योर पेयर है? सब मैच्योर पेयर हैं ये। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ब्लू एंड गोल्ड के पेयर जो हैं वो इन्होंने तकरीबन 3 केज में सेपरेट किए हुए हैं, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पे तमाम पेयर जो हैं वो DNA हुए हुए हैं इनके, और आप लोग ये कंडीशन देख सकते हैं। बड़े केज में इसलिए इन्होंने रखे हुए ताकि इनके फेदर्स वगैरह ख़राब ना हो, तो ये कंडीशन है अभी पेयर्स की। जी शाहिद भाई, ये जो हम देख रहे हैं ग्रीन विंग मकाओ, इसके बारे में बताएं। ये ग्रीन विंग के पेयर हैं, अभी इसका रेट तकरीबन 8 लाख चला गया था, अभी हमने इसके लिए बहुत लोगों की सहूलत के लिए हमने इसका रेट जो है तकरीबन 5,75,000 रुपये कर दिया। अच्छा, यानी कि पेयर की डिमांड 5,75,000 रुपये जोड़ेगी। अच्छा, ये मैच्योर पेयर हैं? ये सारे बड़े पेयर हैं और इंशाल्लाह ताला ब्रीड के लिए तैयार हैं ये। इनके हमने DNA भी करवा दिए हैं, अब इनको मेल फीमेल्स करके इनको अलग अलग केजेस करेंगे। अभी हमने कॉलोनी में इसलिए छोड़े हैं ताकि ये अपने आप को सही तरह से एडजस्टमेंट कर लें। ठीक है, तो कितने पेयर मौजूद हैं आपके पास? मेरे पास तकरीबन 6 पेयर मौजूद हैं ग्रीन विंग के। तो व्यूअर्स, ग्रीन विंग के 6 पेयर इनके पास मौजूद हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पोजीशन है, और कॉलोनी में छोड़ने की वजह यही है ताकि एडजस्ट हो जाएं, जो फेदर वगैरह ख़राब हो गए हैं वो सेट हो जाएं। जी शाहिद भाई, ये जो हम देख रहे हैं ब्लू एंड गोल्ड का बेबी, इसके बारे में बताएं। ये ब्लू एंड गोल्ड के दोनों बेबीज़ हैं ये, और ये मैंने शौकीनों के लिए मंगवाए हैं। बहुत से लोग अपने घर में इसका बच्चा रखते हैं। ये तकरीबन 2 लाख रुपए का पीस है। 2 लाख रुपए पीस की डिमांड है? जी हाँ। क्या है इसके अभी? ये अभी तकरीबन 6 महीने की, अभी तो इनकी आंखें भी ब्लैक हैं। अच्छा, 6 माह का है ये और सेल्फ फीड पे आ गया है? सेल्फ फीड पे आ गया है, खुद खा रहा है। जी शाहिद भाई, ये जो हम पेयर देख रहे हैं मूंग पैरेट का, इसके बारे में बताएं। ये मूंग की एक वैरायटी होती है, मूंग में मुख्तलिफ कलर आते हैं, इसमें ब्लू भी आता है, इसमें ग्रीन भी आता है, इसमें सिल्वर कलर भी आता है, ग्रे भी आता है। इसमें सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी होती है लोटिनो मूंग कहलाता है ये। ये येलो कलर के अंदर है ये। क्या डिमांड है इनकी? ये आपको मैं 85 का पेयर दे दूंगा। 85,000 पेयर की डिमांड है। और ये बताएं DNA हुआ है? ये सब DNA पेपर के साथ हैं। ठीक है जी शाहिद भाई, ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। ये विक्टोरियन क्राउन पिजन कहलाता है, मतलब पिजन्स के अंदर ये सबसे बड़ी वैरायटी है कबूतरों में। ये मैंने शौकीन तौर पर रखा हुआ है, ये मेरे पास 1 पीस है, ये मेल है ये। अच्छा, तो जंबो साइज़ का पिजन है ये, तो ये क्रॉस ब्रीड भी नहीं हो सकता? ये क्रॉस करता है ये, अगर पेयर रखेंगे तो ये ब्रीड भी करेगा, कबूतर की तरह ब्रीड करता है, वैसी टोकरी वगैरह में ये घोंसला बना के अंडे देता है ये। तो क्या डिमांड होती है इस पेयर की? वैसे तो इसका रेट काफ़ी है, बहरहाल मेरे पास है, मैं 250 का दे दूँगा। 2,50,000 का? तो व्यूअर्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा पिजन है और साइज़ काफ़ी इसका जंबो है, तकरीबन जो असील मुर्गा होता है इतना बड़ा इसका साइज़ है। तो व्यूअर्स, ये था कराची का सबसे, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बर्ड्स का ख़जाना था इनके पास, और बहुत नायाब ब्रीड
मौजूद थी शाहिद भाई के पास। तो शाहिद भाई, ये जो आपने वीडियो में कोट किए हैं रेट, तो हमारे व्यूवर्स के लिए इसमें डिस्काउंट होगा इंशाल्लाह? जो कोई मुझसे कॉल पे बात करेगा तो उसमें मैं, जो मुझसे रियायत होगी मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। 03002284972। तो बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। और व्यूवर्स, वाकई काफ़ी ज़बरदस्त ब्रीड इनके पास मौजूद थी, नायाब ब्रीड इनके पास मौजूद थी। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। तो देखा व्यूवर्स आपने, यहाँ पे एक से बढ़ के एक आज ब्रीड मौजूद थी, काफ़ी नायाब ब्रीडें मौजूद थी, आप तमाम व्यूवर्स को दिखाई। तो आप तमाम व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के मुतालिक अपने ख्यालात ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा, और साथ साथ ये कहना चाहूँगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरीके के सेटअप को विज़िट करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेटअप आपको पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।